नमस्कार, मैं हूं शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो आखिर क्यों इंदौर पांचवी बार बना नंबर वन, आइए जानते हैं। 21.3 किलोमीटर कान और 12.4 किलोमीटर लंबी सरस्वती नदी को जिंदा कर दिया, कभी लोग इसे नाला समझते थे। इंदौर लगातार पांचवी बार देश का सबसे साफ शहर चुना गया। दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इंदौर को नंबर वन शहर, 12 करोड़ का सफाई मित्र और 5 स्टार रेटिंग का अवार्ड दिया। 35 लाख की आबादी वाला इंदौर 139 करोड़ भारतवासियों के लिए सफाई में रोल मॉडल कैसे और क्यों बना, आइए जानते हैं वो रीजन। सबसे बड़ी वजह है इंदौर ने 21.3 किलोमीटर लंबी कान और 12.4 किलोमीटर की सरस्वती नदी को पुनर्जीवित किया है। 6 प्रमुख नालों सहित 137.28 किलोमीटर में बहने वाले सीवरेज को प्रोसेस किया गया। नदी नालों में अब कचरा नहीं बहता, इसी का नतीजा है कि शुक्रवार को 41 साल बाद सरस्वती के तट पर लोग कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान करते नजर आए। गीले कचरे की गुणवत्ता 95% है, ऐसे जर्मने भी नहीं। पहली बार गाड़ियां खरीदने और ट्रांसफर स्टेशन बनाने के कारण कचरा प्रबंधन पर 160 करोड़ खर्च करने पड़ा था, अब यह खर्च सालाना 50 करोड़ पर आ गया है। पिछले साल 90% कचरा प्रबंधन शुल्क वसूला, जो 45 करोड़ था। गीले कचरे की गुणवत्ता 95% है, ऐसा जर्मनी में भी नहीं होता। कचरे से सालाना 20 करोड़ की कमाई, इंदौर कचरे से अभी 20 करोड़ रुपए सालाना कमा रहा है। इसमें कार्बन क्रेडिट, CNG, कंपोस्ट खाद, CND वेस्ट और सूखे कचरे से हो रही आमदनी शामिल है। एक्सपर्ट का मानना है कि जिस तेजी के साथ इंदौर कचरा प्रबंधन पर काम कर रहा है, आने वाले 3 साल में ही कचरे से हमारी कमाई 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी। 56 दुकानों में सबसे क्लीनेस्ट स्ट्रीट फूड। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट 2020 में बिल्ड इन्वायरमेंट थीम में अव्वल रही 56 दुकान का कायाकल्प इंदौर ने 56 दिन के रिकॉर्ड समय में 5.17 करोड़ की लागत से किया। इसे क्लीनेस्ट स्ट्रीट फूड का अवार्ड भी मिल चुका है। दुकानदारों ने खुद 500 किलो प्रतिदिन गीला कचरा प्रोसेस करने का प्लांट लगाया है और खाद लोगों को उपहार में दे रहे हैं। घर भी है रोल मॉडल। अली हुसैन रूबी का घर इंदौर के स्वच्छता इंदौर मॉडल का उदाहरण है। जीरो वेस्ट घर में कचरा 6 हिस्सों में बांटते हैं। सूखा कचरा 2.5 रुपए किलो में एनजीओ को देते हैं। गीले कचरे की खाद से 33 किस्म की सब्जी उगा रहे हैं। वाटर हार्वेस्टिंग से 55 फीट पर बोरिंग चल रहा। 8 किलो वाट के सोल प्लांट से हर माह 700 यूनिट बिजली बना रहे हैं। गर्व और प्रसन्नता है कि स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रधानमंत्री जी के संकल्प को और सपनों को मध्य प्रदेश ने साकार किया है। इस साल मध्य प्रदेश को कुल 35 पुरस्कार मिले हैं। मुख्य कार्यक्रम में आज 21 पुरस्कार मध्य प्रदेश को दिए गए हैं और आज मैं इंदौर की जनता को प्रणाम करता हूं, उनको खुल के हृदय से बधाई देना चाहता हूं। पांचवी बार हमारा इंदौर आज फिर स्वच्छता में पहले स्थान पर आया है देश में और स्वच्छता में पंच लगाया है इंदौर ने। पांचवी बार इंदौर की जनता, वहां के सांसद, विधायक, नगर निगम के सारे साथी, स्थानीय प्रशासन, सभी समाज से भी, स्वयं से भी संस्थाओं को, स्वच्छाग्रहियों को और सभी काम करने वाले स्वच्छता कर्मचारियों को भी हृदय से मैं बधाई देता हूं। उन्होंने इंदौर को यह गौरव दिलाया है और इंदौर को तो पहले स्थान पर रहने की आदत पड़ चुकी है और सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में भी इंदौर नंबर वन है। देवास और भोपाल को भी पुरस्कार मिला है। स्वच्छ सर्वेक्षण में इंदौर के अलावा भोपाल, उज्जैन, पचमढ़ी, कैंट, होशंगाबाद, देवास और बड़वाहर ने भी पुरस्कार प्राप्त किया है। गार्बेज फ्री सिटी में इंदौर के अलावा उज्जैन, ग्वालियर, देवास, सिंगरौली, बूंदी, बुरहानपुर, राजगढ़, धार और राजधानी भोपाल को भी पुरस्कार मिला है। इन सभी शहरों की जनता को, जनप्रतिनिधियों को, स्थानीय प्रशासन को बहुत बहुत बधाई, सबका अभिनंदन। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए देखते रहिए द खबरदार न्यूज। तब तक के लिए धन्यवाद।